वाशिम जिले में स्थित पोहरा देवी में रामनवमी पर्व पर आने वाले लाखों भाविकों की सुविधाओं के लिए जिला प्रशासन ने अब तक कोई तैयारियां शुरू नहीं की है, जबकि रामनवमी का पर्व मात्र एक सप्ताह ही दूर है। जिला प्रशासन के इस सुस्त रवैये पर मंगलवार को आयोजित पत्र परिषद में भक्ति धाम धर्मपीठ के महंत जितेंद्र महाराज ने नाराजगी जताई है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की रिपोर्ट। बंजारा समाज बंधुओं की काशी के नाम से मशहूर पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र में रामनवमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर यहां लाखों भाविकगण आते हैं। रामनवमी पर्व के आने में केवल अब सप्ताह भर का समय बचा है। बावजूद इसके जिला प्रशासन रामनवमी पर आयोजित यात्रा महोत्सव तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों की पूर्व तैयारियों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। इस बारे में पोहरागढ़ भक्तिधाम गौर धर्म पीठ के महंत जितेंद्र महाराज ने मंगलवार को आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी है। या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी साहेब यांना एक नम्र आवाहन करतो की दरवर्षी पोहरा देवी यात्रेनिमित्ताने एक किमान एक महिन्या आधी पोहरा देवी यात्रा नियोजन बैठक घेण्यात येते आणि त्या बैठकीचे अध्यक्ष माननीय जिल्हाधिकारी साहेब असतात आणि सर्व विभागाचे प्रमुख सर्व कार्यकारी अभियंता त्या बैठकीला उपस्थित असतात आणि पोहरा देवीचे सर्व महंत महाराज सुद्धा त्या बैठकीला उपस्थित असतात आणि त्या बैठकीमध्ये पोहरा देवी यात्रे संदर्भात काय काय निर्णय घ्यायचे असते, जसं की पाण्याविषयी, विद्युतविषयी, रस्ते, स्वच्छता, ज्या यात्रेमध्ये जे चोरीचं प्रमाण मागच्या काही यात्रेमध्ये वाढलेलं होतं त्या संदर्भात पोलीस अधीक्षक साहेब हे आजूबाजूच्या सर्व पोलीस स्टेशनच्या PI ला निर्देश देतात त्या ठिकाणावरून सर्व लोकांना डिटेक्ट करण्यासाठी, आणि दारूबंदीचा विषय असतो, हे सगळे विषय असते। प्रमुख विषय हा असतो की पोहरा देवीला येणारा भाविक भक्त हा आंघोळीला नेमका आंघोळ कुठं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भाविक भक्तांची आंघोळ होईल, तर उमरी पोहरा देवीला ॲटॅच जे धावंडा नदी आहे त्या धावंडा नदीमध्ये फुलुमरी आणि रत्तनवाडी या धरणाचं पाणी सोडल्या जाते। त्याला किमान 12 दिवस आधी ते पाणी सोडावं लागते, तेव्हा रामनवमी यात्रेच्या 2 दिवसाआधी ते पोहरा देवी आणि उमरीला पोहोचते आणि ते यात्रेकरूला सोयीचं होते आंघोळ करण्यासाठी। परंतु आज यात्राच 8 दिवस राहिलेली आहे, अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारची नियोजन मीटिंग झाली नाही किंवा कोणाला माहिती नाही कधी होणार म्हणून। याविषयी मी जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याशी फोनवरती बोललो आणि आपले पालकमंत्री संजय भाऊ यांना सुद्धा मी ही बाब सांगितली। गौरतलब है कि पोहरा देवी में रामनवमी पर्व पर यहां बड़ी संख्या में आने वाले भाविक भक्त अपनी मन्नतों को पूरा कराने और अपने बच्चों के नामकरण से लेकर उनके शादी ब्याह से संबंधित विधि को पूरा करने के लिए भी चले आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिला प्रशासन तत्काल उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराए ताकि भाविकों की धार्मिक जरूरतों में कोई दिक्कत न आ सके। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।